Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन तो हम लोग देख रहे थे, तो हम लोग थोड़ा क्लियर इमेज देखते हैं, ठीक है, प्रकाश को अपवर्तन को और डायग्राम के हेल्प से और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या था? प्रकाश का परावर्तन था जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकरा कर वापस लौट जाती है, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और अपवर्तन उससे बिल्कुल अलग है, ठीक है। अपवर्तन में होता क्या है? दो पारदर्शी माध्यम में अपवर्तन तभी होगा जब पारदर्शी माध्यम होगा, ठीक है, जिसके प्रकाश आर पार जा सकता है। अगर आर पार प्रकाश नहीं जा सकता तो वहां पे परावर्तन होगा, लेकिन अगर प्रकाश आर पार जा सकता है तो वहां पे क्या होगा? अपवर्तन होगा। तो अपवर्तन के लिए दो पारदर्शी माध्यम का होना जरूरी है। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम तैयार किया है कि ये मान लेती है जो लाइन है ब्लैक वाला, ठीक है, ये क्या कर रहा है? दो माध्यम को अलग कर रहा है, ठीक है। एक माध्यम हमारे पास हवा है, लिखा हुआ है यहाँ पे एयर, और दूसरा माध्यम क्या हमारे पास? कांच है। दो अलग अलग माध्यम है, तो प्रकाश का किरण क्या होगा? हवा से कांच में जा सकता है, प्रवेश कर सकता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिया है एक किरण लिया है AO, ये जो किरण है हमारा AO एक प्रकाश का किरण है जो आके इस सतह से टकरा रहा है। इस सतह से टकरा रहा है तो ये आपतित किरण होगा हमारा, ठीक है। और ये जो O पॉइंट है वो क्या है? आपतन बिंदु। तो हम लोगों ने क्या किया? आपतन बिंदु पर एक अभिलंब खींचा है, NN' अभिलंब खींचा, ठीक है। तो ये प्रकाश का किरण आ रहा था और ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, तो बिल्कुल ऐसा सीधा निकल जाना चाहिए था इस लाइन पे, जो ब्राउन वाला लाइन हमको नजर आ रहा है उस लाइन पे बिल्कुल सीधा निकल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अपवर्तन में ऐसा नहीं होता है। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। मूल पथ मतलब जिसका ओरिजिनल रास्ता था इसी रास्ते पे जा रहा था, लेकिन अभी ये इस रास्ते पे नहीं जाएगा, इस रास्ते से डेविएट हो जाएगा, इस रास्ते से विचलित हो जाएगा, इस रास्ते को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं डेड लाइन मैंने ड्रॉ किया कि दूसरे रास्ते पे आ गया, ठीक है। तो ये जो प्रकाश का परिवर्तन के बाद जो नया किरण हम लोग को मिला है, जो अपने मूल पथ से विचलित हो जाता है, उस किरण ये मैंने यहाँ पे नाम दिया वो भी, इस किरण को हम लोग क्या कहते हैं? इस किरण को हम लोग कहते हैं अपवर्तित किरण। तो प्रकाश का परिवर्तन आप लोग को समझ आया होगा, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है, और इसी घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे। अब एक और डायग्राम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक मीडियम वन लिया है, मान लेते एयर है, मैंने मीडियम टू लिया, मैंने मान लिया कि ये क्या है? वाटर है। तो यहाँ भी दो अलग अलग माध्यम है, ठीक है। तो एक इंसिडेंट है जो आपतित किरण कहलाता है, ठीक है, मैंने आपतित किरण लिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे विलंब बनाया, इसको इस डॉटेड लाइन है, जो डॉटेड लाइन है इस पे चला जाना चाहिए था, लेकिन क्या हो रहा है? ये इस रास्ते पर जाके थोड़ा मुड़ गया है, ठीक है। तो ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यहाँ पे अपवर्तित किरण, तो ये हमारा क्या है? अपवर्तित किरण, ठीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे क्या होगा? अभिलंब, ये हमारा क्या है? N अभिलंब है, और ये हमारा आपतित किरण है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण, जिसको मैंने यहाँ पे स्मॉल आई से डिनोट किया है। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा अपवर्तन कोण, तो ये हमारा अभिलंब था और ये अपवर्तित किरण, इन दोनों के बीच का कोण क्या है? ये आर है स्मॉल आर, ये हमारा कहलाएगा अपवर्तन कोण। एक और कोण यहाँ पे डी दिया हुआ है, यह है विचलन कोण, ठीक है। प्रकाश किरण क्या हो जाती है? अपने पथ से विचलित हो जाती है, ठीक है। तो कितना विचलित हुई? ये देखिए, इस लाइन पे जाना चाहिए था लेकिन क्या हो गया? इस लाइन पे आ गया। तो ये जो कोण बनेगा अपवर्तित किरण और मूल किरण के बीच का कोण क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा विचलन कोण। तो आप लोग को समझ आया होगा, फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास मैंने बताया था दो माध्यम के बारे में, सघन माध्यम और विरल माध्यम, ठीक है। सघन माध्यम किसको कहेंगे? जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है, और विरल माध्यम किसको कहते हैं? जिसका अपवर्तनांक कम होता है। तो अगर हम कंपैरिजन करें, यहाँ पे मैंने हवा लिया एयर, और यहाँ पे मैंने क्या लिया? कांच, ठीक है। हवा और कांच में तुलना करें तो हवा जो क्या है? विरल माध्यम है, और ग्लास क्या है? सघन माध्यम है। फिर अगर हम वैसे हम हवा और वाटर का तुलना करें तो कांच क्या है, सॉरी पानी क्या है? सघन माध्यम है, और हवा क्या है? विरल माध्यम है। तो दो अलग अलग केस है, मैंने यहाँ पे केस वन लिया है ये वाला, और ये मैंने केस टू लिया। तो दो अलग अलग केस में अपवर्तन अलग अलग तरीके से होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं ये जो किरण है, जो पिंक लाइन है, ठीक है, ये प्रकाश का किरण जो हवा से चलकर होकर ग्लास में प्रवेश कर रहा है, तो ये किरण हमारा क्या है? आपतित किरण, ये हमारा
आपतित किरण है। अब क्या हो, ये कांच में प्रवेश किया, ठीक है, तो ये जो किरण है एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो किरण है, जो अपवर्तित किरण है, वो अभिलंब के थोड़ा नजदीक आ गई है। ये इसको पहले इस रास्ते पे जाना चाहिए था, बिल्कुल सीधा चले जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो गया, अभिलंब के थोड़ा नजदीक आ गया है। तो जब भी कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। हम लोग देख रहे हैं कि अभिलंब के क्लोज आ गया, अभिलंब के नजदीक आ गया, इसका हम एक स्टेटमेंट लिख दे सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अब इस वाले फिगर में हम लोग देखिए, ये वाला जो केस है, यहाँ पे ये वाटर है, हमारे पास क्या है, ऊपर जल है और नीचे वायु है, ठीक है। जब कोई प्रकाश की किरण जल से होती हुई वायु में प्रवेश करती है तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये इसका क्या आपतित किरण है, ठीक है। जब इसको बिल्कुल ऐसा सीधा चला जाना चाहिए था, एक मिनट, ये जो किरण है इसको बिल्कुल ऐसे सीधा चले जाना चाहिए था, लेकिन क्या हो गया, ये अभिलंब से दूर हट गया, ये अपने ओरिजिनल पथ से क्या विचलित तो हुआ है, लेकिन अभिलंब की ओर विचलित नहीं हुआ, अभिलंब से दूर हट गया है। तो इस चीज में हम लोग देख रहे हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी विरल किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो होप आप लोग को समझ आ रहा होगा, फिर चलिए हम लोग आगे देखते हैं, एक मिनट, तो हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कांच की सिल्ली से, मान ली कोई ग्लास है, ग्लास से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। तो मैंने यहाँ पे देखिए, मैंने जो डायग्राम बनाया है, यहाँ पे हवा लिया है, वायु एयर लिखा हुआ है, फिर मान लेते हैं कांच बीच में क्या आ गया, थोड़ी देर के लिए कांच आ गया, फिर नीचे हवा है, ठीक है। अब क्या होता है, हम यहाँ पे देखें कि जो प्रकाश का किरण है पहले हवा से कांच में जाएगा, फिर कांच से फिर वायु में जाएगा, तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए ओ क्या है, हमारे पास एक आपतित किरण है, तो ओ पे क्या हुआ, आपतन हुआ, ओ पे टकराया, तो ओ पे मैंने क्या किया, अभिलंब खींच दिया एन एन डैश, ठीक है। इस प्रकाश की किरण को बिल्कुल सीधा ऐसे इस लाइन पे चले जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि अपवर्तन होगा, अपवर्तन होगा तो एक किरण क्या होगा, विचलित होगा, ये प्रकाश का किरण क्या होगा, विचलित होगा। या तो हम लोग देखा भी पढ़े हैं कि प्रकाश का किरण जब किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हवा है, हवा क्या है, विरल माध्यम है, और कांच क्या है, सघन माध्यम है, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है, तो इस अपने मूल पथ से विचलित होकर क्या हो जाएगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो ब्लू लाइन है क्या अभिलंब के नजदीक आ गया है, इसको इस ब्राउन लाइन पे जाना चाहता है लेकिन अब ब्लू लाइन पे आ गया, ठीक है, तो अभिलंब की ओर मुड़ गया है। अब फिर ये लाइन आया, ये आया, फिर टकराएगा यहाँ पे, क्योंकि अब क्या रहा, फिर से माध्यम बदल रहा है, माध्यम बदल रहा है तो क्या होगा, अपवर्तन होगा। अगर ये माध्यम बदल रहा है तो इसको ठीक ब्लू लाइन पे से चले जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि माध्यम बदल रहा तो अपवर्तन होगा। लेकिन इस बार केस थोड़ा डिफरेंट है, इस बार क्या, यहाँ पे कांच है और नीचे क्या है, एयर है, तो कांच क्या है, एक सघन माध्यम है, और वायु क्या है, एक विरल माध्यम है। तो यहाँ पे प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो ये अपवर्तन के बाद क्या होगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो हम यहाँ पे देखें जो ब्लू लाइन पे जाना चाहिए था ये क्या हो गया, दूर हट गया, जो इसको मैंने ब्लैक से दिखाया है, ये ब्लैक लाइन पे आ गया। तो ये हमारा क्या है, AO, ये आपतित किरण है, और OO डैश जिसे मैंने ये जो लाइन बीच में ब्लू लाइन है क्या है, ये हमारा अपवर्तित किरण, और जो ब्लैक लाइन है O डैश B, इसको हम लोग कहेंगे निर्गत किरण, ठीक है। ये हमारा आपतित किरण, ये बीच वाला लाइन अपवर्तित किरण, और जो फाइनली लास्ट में हमको मिलेगा उसको क्या कहते हैं हम लोग, निर्गत किरण कहते हैं। अब एक चीज देख रहे, जो हमारा ओरिजिनल लाइन था ये वाला ब्राउन कलर वाला, ये ब्राउन कलर वाला जो ओरिजिनल लाइन था जिस रास्ते पे आ रहा था प्रकाश का किरण, और ये फाइनली हमको O डैश B मिला ये वाला, ठीक है। ये जो दोनों किरण है, दोनों लाइन आपस में समानांतर हो जाता है, दोनों किरण आपस में क्या मिलेगा, समानांतर मिलेगा, आप लोग को दिख रहा होगा। तो ये किरण आपस में क्या होगा, मतलब निर्गत किरण और मूल किरण, ये हमारा मूल किरण है ब्राउन वाला, और ब्लैक वाला क्या है, निर्गत किरण। तो मूल किरण और निर्गत किरण क्या होती है, आपस में समानांतर हो जाती है, और इसके बीच का लंबवत दूरी, ये जो मैंने लाइन से दिखाया ये दूरी, लंबवत दूरी क्या कहलाता है, ये कहलाता है पार्श्विक विस्थापन, ये कहलाएगा पार्श्विक विस्थापन। अब क्या हो, मूल किरण क्या विस्थापित होकर यह निर्गत किरण मिल रहा है, क्योंकि ये दोनों आपस में समानांतर होता है, इसे हम लोग पार्श्विक किरण कहते हैं।
चलिए इसको एक और डायग्राम समझते हैं। ये डायग्राम हमारे पास है, ठीक है। ये हवा, ऊपर हवा, कांच है हमारे पास, और फिर नीचे हमारे पास हवा है। तो एक प्रकाश का किरण आया, ठीक है। इसको बिल्कुल डॉटेड लाइन, बिल्कुल ऐसे सीधा डॉटेड लाइन पे चले जाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन ये क्या होगा, अपवर्तन के कारण मुड़ जाएगा। अब ये विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जा रहा है, तो क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा। देख रहे हैं कि अभिलंब की ओर मुड़ गया। तो ये हमारा आपतन कोण, ये हमारा अपवर्तन कोण, और ये वाला लाइन जो है अपवर्तित किरण, ठीक है। फिर हमारा ये फिर से टकराया, ठीक है। तो फिर से क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगा। तो हम लोग देख रहे बिल्कुल अच्छे, इसको बीच बीच जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो गया, दूर हट गया। तो ये हमारा क्या है, निर्गत किरण। और ये किरण, मूल किरण और निर्गत किरण हमारा समानांतर होता है, और उसके बीच का दूरी पार्श्विक विस्थापन कहलाता है। वो क्लियर होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने समझा दिया। अब हम लोग कुछ एप्लीकेशन देखेंगे कि क्या क्या एप्लीकेशन है प्रकाश के परावर्तन के, क्या क्या एप्लीकेशन है। तो मैंने आप लोग एप्लीकेशन बताया था। सबसे पहला एप्लीकेशन बताया था कि जब किसी प्रकाश, जो अगर किसी बर्तन में, किसी ग्लास में पेंसिल वगैरह रखे हुए हैं, तो पेंसिल हम लोग को मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, ऐसा क्यों। तो इस फिगर से हम लोग इस चीज को समझेंगे कि पेंसिल मुड़ा हुआ प्रतीत क्यों होता है। क्या आप देख रहे हैं कि हम एक कंटेनर ले लिए, ठीक है, उसमें एक पेंसिल रखा हुआ है, ठीक है। पेंसिल का ओरिजिनल पोजिशन ये है, बिल्कुल ऐसे, लेकिन हमको मुड़ा हुआ थोड़ा दिखाई देता है, ऐसा दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, हम लोग जानते हैं कि जब किसी वस्तु को हम लोग कब देख पाते हैं, जब उससे प्रकाश की किरण हमारी आंखों तक पहुंचती है। तो अगर पेंसिल यहाँ पे है, ठीक है, यह और पेंसिल इस एंड को हम लोग कब देख पाएंगे, जब यहाँ से प्रकाश निकल के हमारी आंखों तक पहुंचता है। तो यहाँ से प्रकाश निकलेगा, ठीक है, दो किरण आया, ठीक है। अब यहाँ पे पानी था, अब यहाँ से माध्यम चेंज करेगा, मीडियम को चेंज करेगा। जब माध्यम को बदलेगा प्रकाश का किरण, तो क्या होगा, अपवर्तन होगा। और अपवर्तन के बाद अपवर्तन कर दिया, प्रकाश का किरण मुड़ जाता है। इसको बिल्कुल ऐसे सीधा चले जाना चाहिए था, लेकिन सीधा ना जाके क्या हो जाएगा, थोड़ा मुड़ जाएगा, और मुड़ने के बाद हमारी आंखों पर पहुंचेगा। जब हमारी आंखों पर पहुंचेगा, तो हमारी आंखों को ऐसा प्रतीत होगा कि दोनों किरणें कहां से आ रही है, इस बिंदु से आ रही है। हमारी आंखों का प्रतीत होगा कि दोनों किरणें किस बिंदु से आ रही है, इस बिंदु से आ रही है। तो हमको उस बिंदु पे पेंसिल नजर आएगा, जबकि उस बिंदु पे होता नहीं, हमारी आंखों पर ऐसा प्रतीत होता है। ऐसा क्यों होता है, अपवर्तन के कारण होता है। तो होप आप लोग को समझ आया होगा। फिर एक और एग्जांपल देखते हैं। तो मैंने आप लोग को बताया था कि अगर मैं ग्लास में क्या करता हूँ, सिक्का रख देता हूँ, किसी बर्तन में सिक्का रख देता हूँ, तो सिक्का क्या होता है, अपने ओरिजिनल पोजिशन से थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। तो उठा हुआ प्रतीत होता है क्यों, उसको भी समझेंगे। जैसे यहाँ पे पानी है, पानी में क्या, एक ब्रिक रखा हुआ, ईट का टुकड़ा रखा हुआ है। तो ईट हमको अपने ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीत होता है। इसका कारण भी क्या है, अपवर्तन ही है। तो समझेंगे। अब यहाँ पे ईट हमको कब नजर आएगा, जब ईट से प्रकाश की किरणें निकलकर हमारी आंखों तक पहुंचेंगी। ईट से यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही है, ये किरणें आई। अब यहाँ पे माध्यम बदलना है, ठीक है। अगर माध्यम बदलेगा तो क्या होगा, विचलित होगा। इसको बिल्कुल ऐसे सीधा चला जाना चाहिए था, ऐसे क्या बिल्कुल ऐसे सीधा चला जाना चाहता है। लेकिन ये क्या होता है, अगर एक सघन माध्यम से विरल माध्यम वायु में जा रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगा। तो बिल्कुल ऐसे सीधा जाना चाहता है, तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हट गया। इसके उनको भी देखेंगे तो भी क्या होगा, अभिलंब से दूर हट गया। तो अपवर्तन के बाद ये दोनों किरण हमारी आंखों तक पहुंचती है। अब हमारी आंखों को ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि दोनों किरण कहां से आ रही है, इस बिंदु से आ रही है, जैसा कि डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ है। हमारी आंखों को ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों जो किरणें हैं वो इस बिंदु से आ रही है, और इसी बिंदु पे हमको ईट का एक वर्चुअल इमेज प्राप्त होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और हमको ऐसा लगता है कि जो, मतलब ईट या पत्थर है या कुछ भी जो हम लोग रखे हैं, वो क्या थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीत होता है। तो चलिए एक और एग्जाम्पल को समझते हैं। जनरली हम लोग अगर मछली पकड़ने का प्रयास करते हैं तो हम लोग असफल हो जाते हैं। उसका कारण भी क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है। और मैंने भी कोशिश किया था मछली पकड़ने का, लेकिन हमसे पकड़ाया नहीं था, गिर गया था। तो क्या होता है, यहाँ पे देख रहे, एक लड़का है जो मछली पकड़ने का कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे ये रियल फिश है हमारा, मछली यहाँ पे, लेकिन हमको मछली अपने ओरिजिनल पोजिशन पर नजर नहीं आती है, ओरिजिनल पोजिशन से थोड़ा सा ऊपर नजर आती है, ठीक है। इस कारण मछली पकड़ना थोड़ा मुश्किल काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मछली है, ठीक है, इससे यहाँ का प्रकाश का किरण ऐसे आएगा, ठीक है, प्रकाश का किरण ऐसे आएगा, और ये क्या होगा, अपवर्तन होगा। अपवर्तन होकर हमारी आंखों तक पहुंचेगा ऐसे,
हमारी आंखों तक पहुंच रहा है, तो हमारी आंखों को तो बिल्कुल प्रकाश किरण कहां से नजर आता हुआ नजर आएगा, इस जगह से नजर आता हुआ दिखाई देगा। हमारी आंखों का प्रतीत होगा कि प्रकाश का किरण यहाँ से आ रहा है और इस जगह पे हमको मछली का क्या होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब दिखाई देगा और हमको लगेगा कि मछली इस पोजीशन पर, जबकि इस पोजीशन पर मछली होती नहीं है, इसलिए मछली को पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है प्रकाश का प्रवर्धन के हमारे डेली लाइफ में। आप लोग थोड़ा बुक पलट के देखिएगा, बहुत कुछ क्लियर होगा। तो चलिए डिवाइन करते हैं, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने प्रकाश का अपवर्तन देखा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश क्या करती है, अपने पथ को बदल लेती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। फिर मैंने इसके दो केस देखे कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो क्या होगा, और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तब क्या होगा। फिर हमने कांच की सिल्ली से अपवर्तन देखा कि कांच की सिल्ली से अपवर्तन कैसे होता है। फिर हम लोगों ने कुछ उसके एप्लीकेशन देखे हैं, होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। Thank you.